नमस्कार दोस्तों, द फंडा बॉक्स लेके आ चुका है आपके लिए आरएएस 2021 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम इसमें देखेंगे 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस के 50 टॉपिक्स में से। आज हम शुरू करेंगे आरएएस 2021 के लिए सिक्योरिटी का पहला भाग। सिक्योरिटी में हमारा पहला भाग होगा बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर। बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या इश्यूज हैं ये हम देखने से पहले पहले देखेंगे कि हमारे बॉर्डर्स में आखिर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो हम देखिए, सबसे पहला है आपका इंडिया चाइना बॉर्डर। वहां पे इंडिया चाइना बॉर्डर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ चैलेंजेस होने से पहले देखिए आपकी हमारे तीन बॉर्डर एरियाज में चैलेंजेस जनरली रहते हैं, इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे। सो ये बेसिकली हमारे बॉर्डर एरिया है। अब ये तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, दिस इज द वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जैसा कि आपने देखा, अक्साई चीन, पांगोंग सो और हमारा जो लेह लद्दाख वाला एरिया है वहां पे जनरली इश्यूज प्रिवेल करते हैं। दूसरा, मिडिल सेक्टर जनरली थोड़ा शांत है, लेकिन यहाँ पे भी नीति और धर्मा जो पासिस हैं यहाँ पे हमारे इश्यूज रहते हैं। और जो हमारा अरुणाचल वाला सेक्टर है यहाँ पे जो मॉनेस्ट्री बेस्ड इश्यूज हैं वो वाले प्रिवेल करते हैं, लेकिन स्मगलिंग होती है दूसरी चीज है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं, स्पेशली आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो ये तीन तीन बॉर्डर फोर्सेस अलग अलग बॉर्डर को मैन करती हैं, जबकि हमारी 2000 की कमेटी ने कहा था कि एक बॉर्डर पे एक फोर्स रहनी चाहिए, वन बॉर्डर वन फोर्स। किस कमेटी ने कहा था? हमारी कारगिल कमेटी ने कहा था ये। तो उसके बाद हम अगला देखेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ के जो इनिशिएटिव्स हैं वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, धोला सादिया ब्रिज बनाया गया है ताकि ऑल वेदर रहे। दूसरी चीज आप देखेंगे, अटल टनल का निर्माण किया गया है जो कि लेह की एक्सेसिबिलिटी को ऑल वेदर बना देती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हमारे पास स्पेशल से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें डोनर एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहता है। आरवी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहा है, विदिन 100 किलोमीटर्स ऑफ एलएसी हैव बीन स्पेशली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नॉट ओनली फॉरेस्ट क्लियरेंसेस बट मोस्ट ऑफ द क्लियरेंसेस। अगला देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इशू जो है, वो बॉर्डर इशू वहां पे सरक्रीक पे है, कश्मीर पे है, रिवर शेयरिंग इश्यूज है। लेकिन अब इश्यू सबसे ज्यादा कहाँ आता है, जो आपका जम्मू कश्मीर सेक्टर है। जम्मू कश्मीर सेक्टर के अंदर यहाँ से आपकी फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट है और यहाँ से आपके फॉरेस्ट इन्फिल्ट्रेशन होते हैं रेगुलरली, तो वहां पे आपको जरूरत है और वन टू वन आप मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकते। डाइवर्स टेरेन है, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं जनरली उसके अंदर। तो ये सारे आपके इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर चैलेंजेस हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। याद रखिएगा कौन सी टेक्नोलॉजी का आगे आएगा, CIBMS, CIBMS टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रेहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम। ये टेक्नोलॉजिकल टूल है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बनाई गई है यहाँ पे। इसके जो पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स को यूज किया गया है और रडार से लेके आपके इंफ्रारेड से लेके और कैमरास तक यूज किए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज को पोस्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को स्पेशली अलग से डील कर सके और ट्रेनिंग दे सके जम्मू कश्मीर फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को। नेक्स्ट हम आएंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर का इश्यू ये है कि वो ओपन बॉर्डर है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर है, माओवेस्ट इंसर्जेंसी होती है, इलीगल एक्टिविटीज आराम से हो जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके सारी चीजें होती है। कहीं ना कहीं इंडिया की जो मनी है वो नेपाल में भी वेरी वैलिड है, इंडियन करेंसी में, तो वहां पे वो वाले इश्यूज रहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है देखिएगा, न्यू इंटेलिजेंस सेक्शन SSB में हमने डेवलप किया है। SSB एक CAPF फोर्स है, सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स है, उसके लिए भी हमने एक न्यू इंटेलिजेंस सेक्शन डेवलप किया है। और क्या किया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने डेवलप करी है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के साथ नेपाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और इंडिया के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन डेवलप करेगी। रोड्स बना रहे हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और एड दे रहे हैं नेपाल को एज अ सॉफ्ट पावर, कि कहीं ना कहीं हमें उनका भी सहयोग मिलता रहे। नेक्स्ट हमारा आएगा इंडिया भूटान के साथ। तो भूटान के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, लेकिन फ्री मूवमेंट की वजह से वापस से जो स्मगलिंग इश्यूज आते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना से स्मगल होती हुई चीजें नेपाल और भूटान तक आ जाती हैं और फिर वहां से इंडिया में स्मगलिंग होना काफी आसान हो जाता है।
तो हम भूटान की आर्मी के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अच्छा, आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले बोडो ट्राइबल्स, जो बोडो जो इंसर्जेंसी ग्रुप था हमारा, आसू इंसर्जेंसी जो ग्रुप था, वो सब आपके भूटान के जंगलों में ही शरण लेते थे, और हमने भूटान की आर्मी के साथ कॉपरेट करते हुए इनको कहीं ना कहीं बाहर निकाल दिया है और इन ग्रुप्स को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया म्यांमार ग्रुप। इंडियन म्यांमार ग्रुप आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन ट्रायंगल में कंफ्यूज, गोल्डन क्रेसेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सॉरी, जो इंडिया म्यांमार वाला है वो भी ड्रग्स के लिए है, लेकिन गोल्डन क्रेसेंट आता है आपका अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाले एरिया, वहां से जो ट्रक्स ट्रैफिक होती है वो पंजाब होते हुए ट्रैफिक होती है, जबकि म्यांमार होते हुए जो ड्रग्स आपकी ट्रैफिक होती है वो गोल्डन ट्रायंगल की तरफ से ट्रैफिक होती है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, और वहां से ड्रग्स ट्रैफिक होते हुए आती है। कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, मंडी हार्ट्स रखते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर है, तो यहाँ पे इन जगहों पे आईसीपी चेक पोस्ट भी है और मंडी हार्ट्स भी लगते हैं पूरे यहाँ तक। तो जब यहाँ पे मंडी हार्ट्स और उस तरह की सारी चीजें लगती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग भी इजिली हो जाती है। जामदनी साड़ी, आपकी सिगरेट्स, ये सारी चीजें भी यहीं से ट्रैफिक होके अपने पास तक आती है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किए हैं, लेकिन उससे कुछ खास अभी तक फर्क पड़ा नहीं है। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आएगा इस बार, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट। लगातार कई दिनों से चल रहा है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबल है। बांग्लादेश के साथ हमने क्या किया कि बांग्लादेश के साथ हमारे पहले बहुत सारे कॉन्क्लेव थे, उनकी जगह हमारे पास बहुत सारी थी, हमारी कुछ कुछ छोटे छोटे एनक्लेव्स उनके यहाँ पे भी थे, तो वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने की वजह से क्या हुआ कि नाउ वी कैन हैव अक्रॉस जो रिंग फेंस, कंप्लीट रिंग फेंस हम डाल सकते हैं। पहले लोग आते जाते थे, पासेस बनते थे, पासेस में प्रॉब्लम आती थी, अब वो प्रॉब्लम इसकी वजह से दूर हो गई है। बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड स्थापित हुई है, यहाँ पे भी हमारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बने हैं, और बॉर्डर सर्वेलेंस डिवाइसेस लगी है, यहाँ तक कि रिवराइन एरियाज में भी, जो आपके रिवराइन एरियाज हैं वहां पे भी एक कुछ सर्वेलेंस डिवाइसेस आपकी लगाई गई है। नेक्स्ट हम आते हैं जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल रह सकता है बॉर्डर मैनेजमेंट में। तो देखिए, हमने सीआईबीएमएस की बात करी थी, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हम सीआईबीएमएस का यूज कर रहे हैं। इसमें जो मेजर चीजें हैं वो है, एक तो ड्रोन सर्वेलेंस हम लगातार कर रहे हैं, ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ हम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के अलावा कैमरास, स्मार्ट फेंसिंग, इन सब चीजों का भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लिडार। लिडार फ्रेंड्स क्या होता है ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिडार एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि पर्टिकुलरली बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ही यूज हुई है। सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज हो रहे हैं, लेकिन अच्छा इश्यूज क्या आते हैं? अगर सपोजिंगली आपका क्वेश्चन आए कि टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें इश्यूज भी बताएंगे कि इश्यूज आएंगे फाइनेंशियल बर्डन, कैपेसिटी बिल्डिंग, पीपल टू पीपल का इन्वॉल्वमेंट भी एसेंशियल है। टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है अगर पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम चलेंगे क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं इन टेक्नोलॉजीज में से, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इनेबल करने के लिए, तो वो हम देखते हैं कि सीआईबीएमएस सिस्टम तो बनाया था, उसमें क्या क्या हो रहा है। थर्मल इमेजर्स, सेंसर, रडार, ये सब चीजें लगाई जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिटेक्ट कर रही है, कंट्रोल कर रही है क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को, और इसमें आप इस चीज को जोड़ सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को का जो दायरा है वो 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया है। सिचुएशनल अवेयरनेस इम्पॉल्व की जा रही है, और बीएसएफ ने एक प्रोजेक्ट लिया है दोस्तों, उसका नाम है बोल्ड क्यूआईटी, इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्निक। ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लगाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक आईओटी की तरह एक तरह से काम करेगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह से, और उसमें अलग अलग सेंसर्स लग रहे हैं आपके रिवराइन एरियाज में, क्योंकि वो जो मैक्सिमम बॉर्डर है वो पूरा का पूरा अलग अलग रिवराइन, यहाँ पे अलग रिवर, यहाँ पे रिवर मेघना, और इस तरह से सारी रिवर्स आपकी क्रॉस करती हैं, तो वो रिवराइन ट्रैक्स पे वहां से इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए आपके इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेंट क्यूआरटी
टेक्निक्स लगाई जा रही है। नेक्स्ट इज हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है इसरो, इस पॉइंट को जरूर आप हाईलाइट कीजिएगा, एक्सक्लूसिव यूज के लिए बना रहा है इसरो, एमएचए के दोस्त से कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में, हमने टेक्नोलॉजी के रोल को देख लिया, बॉर्डर मैनेजमेंट को देख लिया, हम अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहले यही देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन और एसेट्स दैट आर कंटेन्ड इन साइबर स्पेस। फ्रॉम किससे सिक्योर कर रहे हैं, अनऑथराइज एसेट्स यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन से। क्या जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की, मेरी क्या जरूरत है, नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अगला वॉर जो होगा वो साइबर वॉरफेयर ही होगा। आपको याद आ रहा होगा कोरिया ने सोनी के ऊपर साइबर अटैक किया था, दैट वाज अ फॉर्म ऑफ साइबर वॉरफेयर, या फिर एक स्टक्सनेट नाम का एक वॉरफेयर यूज होता है, लेट मी, इट इज नोन एज स्टक्सनेट, स्टक्सनेट को यूज किया गया था ईरान के अगेंस्ट, या फिर इट इज अलीग्ड कि जो इंडिया का ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट ऑफ 2009, वो कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फेलियर था, जो कि अंदर बग्स ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए थे, या फिर रैंसमवेयर की बात कर लीजिए, जिसमें कई सारे गवर्नमेंट इंटेलिजेंस को लीक कर लिया जाता है और फिर उसके बदले में रैंसम मांगी जाती है, ये सब साइबर वॉरफेयर का एक हिस्सा है। तो इसके अंदर अब क्योंकि साइबर स्पेस पे ही पब्लिक पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा आती जा रही है, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स, चाहे वो पीएफएमएस हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का आईएफएमएस हो, सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम्स आपके उसके निगरानी में है और वहां पे अटैक किए जा सकते हैं। आपके जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनके ऊपर आपका पूरा देश चल रहा है, जैसे कि टेलीकॉम, या फिर जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, या फिर जैसे कि आपका नेविगेशन सेक्टर, इन सब सिस्टम्स पे अटैक करके इनको एनकोड, इनको डिक्रिप्ट किया जा सकता है और इनका यूज किया जा सकता है सर्विस डिलीवरी को बढ़िया बनाने के लिए, ताकि सर्विस डिलीवरी कोलैप्स ना हो जाए, या डिजिटलाइजेशन के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत फास्टली डिजिटलाइज्ड हो रहा है और इंडिया का मोबाइल पेनिट्रेशन 170% हो चुका है, इंडिया का इंटरनेट पेनिट्रेशन 85% क्रॉस कर चुका है और इंडिया फास्टेस्ट कंज्यूमिंग डेमोक्रेसी बनता जा रहा है डिजिटलाइज्ड सिस्टम की। तो उनमें जो खतरे आ जाते हैं वो आ जाता है स्पाई से लेके ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, सर्वेलेंस, प्रोफाइलिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, और डेटा इकट्ठा किया जाता है कई बार। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डिजिटलाइजेशन की वजह से आएंगी और इसको हमें रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, ये डिजिटलाइजेशन वाली चीजें क्राइस्ट चर्च कॉल में भी डिस्कस हुई। क्राइस्ट चर्च कॉल क्या है फ्रेंड्स, क्राइस्ट चर्च कॉल ये न्यूजीलैंड में दिया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था साइबर सिक्योरिटी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्राइस्ट चर्च कॉल में भी ये डिजिटाइजेशन और इन सारी चीजों का जिक्र किया गया और एक स्टेप्स और एक्शन प्लान दिए गए। तो आप सिंपल सा मेंशन कर सकते हैं कि वी नीड टू फॉलो क्राइस्ट चर्च कॉल गाइडलाइंस गिवन इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग रोल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, ये सारी चीजें हमारा डेटा इकट्ठा कर रही है, हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। अभी जैसा कि एक सॉफ्टवेयर हमने देखा Pegasus, किस तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन जिनके ऊपर हाईली एनक्रिप्टेड सिस्टम्स हैं वो भी नहीं बच पा रहे। सो हमें इन सब चीजों को देखते हुए हमारी साइबर सिक्योरिटी की तरफ फोकस करना होगा। और साइबर सिक्योरिटी में कौन सा इश्यू चल रहा है फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी में इश्यू चल रहा है साइबर सर्वेलेंस का सबसे ज्यादा। तो हम देखेंगे साइबर सर्वेलेंस में क्या इश्यू है और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन प्रोबेबल है वो है साइबर सर्वेलेंस का। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स साइबर सर्वेलेंस। अभी हम देखेंगे कि अभी मैकेनिज्म क्या क्या है साइबर सिक्योरिटी का, उसके बाद हम मूव करेंगे साइबर सर्वेलेंस की तरफ। तो अभी के जो मैकेनिज्म्स है साइबर सिक्योरिटी के, पहली चीज एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है। क्या होता है सबसे पहले, रूपरेखा क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है एक पॉलिसी। तो हमारे पास हाँ भी पॉलिसी है, हमारे पास पॉलिसी है 2013 की बनी हुई, जिसके की प्रोविजंस क्या क्या है,
कि वो एक NCIIPC डेवलप करेगा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, वो एक ये चीज डेवलप करेगा जिसमें हमारी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरी चीज एक टास्क फोर्स डेवलप करेगा, टास्क फोर्स ऑफ 5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल। किसी ने किया है अभी तक? नहीं। एक स्टेट आगे आया है, वो है महाराष्ट्र। आप उसका केस स्टडी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने 20,000 की साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की फोर्स रखी है। नेक्स्ट IT एक्ट 2000 आया। अब जो पॉलिसी आती है, पॉलिसी की अवधारणा के साथ साथ हम एक्ट को भी देखेंगे, तो IT एक्ट 2000 है, उसके अंदर सेक्शंस हैं जो कि कहते हैं कि हमें किस तरह से हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम को सिक्योर करना है। नेक्स्ट एक डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट रीसेंट डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई। ये पॉलिसी आई 2018 में। इसने बोला कि भाई आप किस तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन के सिस्टम्स को आप सिक्योर कर सकते हैं, उसकी इन्होंने पूरी गाइडलाइंस दी। तो वी कैन से कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। ये आपका हो गया लीगल फ्रेमवर्क। क्या कहलाएगा ये? लीगल फ्रेमवर्क। फिर इन लीगल फ्रेमवर्क की मदद से डेवलप हुए कुछ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? NCCC, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। दूसरा CERT-IN, जो कि बहुत फेमस रहा। CERT-IN कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और इसको टारगेट भी दिया गया है काफी सारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने का। फ्रेंड्स NCIIPC हम देख चुके हैं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलप हुआ था आपकी साइबर पॉलिसी के थ्रू। सो NCIIPC। नेक्स्ट है हमारी साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स, जो कि इंटरनेट क्राइम को टैकल कर रही है। कौन कौन सी है? NCCC, अगेन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स। अच्छा, और अभी दो रिसेंट एग्जाम्पल है, एक UPSC पूछ चुकी है और RPSC में आप उसका एग्जाम्पल दे सकेंगे अगर नहीं भी पूछा तो। पहला क्या है? साइबर डोम। साइबर डोम फ्रेंड्स किसने डेवलप किया है? साइबर डोम डेवलप किया है केरला ने, और बहुत ही यूनिक एग्जांपल है किस तरह से वो इसके अंदर आपकी साइबर सिक्योरिटी की एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। वेरी यूनिक एग्जांपल, तो इसको आप केस स्टडी बोल के डालिएगा। क्या है ये? केस स्टडी। और कौन कौन से मेजर्स हैं? डिजिटल आर्मी प्रोग्राम कराया है, आर्मी का सिक्योरिटी इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था साइबर डोम ऑफ केरला, महाराष्ट्र का साइबर सेफ वुमेन और तेलंगाना का साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इन सबको हमें ध्यान में रखना है और इन सबका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई इन इन ने तो यहाँ यहाँ पे ये डेवलप कर लिया है। राजस्थान क्या डेवलप करने की सोच रहा है? राजस्थान ने भी एक इनिशिएटिव लिया है फ्रेंड्स। राजस्थान के इनिशिएटिव का क्या नाम है? राज कैड। लेकिन राज कैड अभी पायलट फेज में है और वो सिक्योरिटी की तरफ इतना फोकस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और कह सकते हैं कि राज कैड को भी हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड, नेक्स्ट हम चलेंगे इंडिया की साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, यस। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी कोई आप आंसर लिखिए RAS मुख्य परीक्षा के अंदर, चाहे क्वेश्चन नेशनल लेवल का हो, पर आप उसके अंदर राजस्थान की प्रॉब्लम्स और राजस्थान के सॉल्यूशंस जरूर डालिएगा, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आप राजस्थान के सॉल्यूशंस दीजिए साथ के साथ। अब देखिए चैलेंजेस क्या है साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया में। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट नहीं होता साइबर सिक्योरिटी में कोई भी, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो इंटरनेट एक्सेस के लिए डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, काफी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी पे चल रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के सिस्टम्स भी काफी ज्यादा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, बहुत पुरानी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंक्रिप्शन लेवल्स भी बहुत लो है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है? सबसे पहले एक लीगल इशू जो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, वो लीगल इशू ये है कि भाई हमारा जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, जबकि ये एक यूनिफॉर्म इंडियन प्रॉब्लम है। पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन का अभाव आ जाता है। तो नेशनल लेवल आर्किटेक्चर साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं है हमारे पास, और सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होती रेगुलरली। सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए सारी वेबसाइट्स की, सारे टूल्स की। ये मैंडेटेड है कि हर 3 साल में सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए। एनुअल कराइए, पर 3 साल में तो करवाइए ही करवाइए, तो सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हो रही है। और NCSC कोऑर्डिनेटर हमारा बन गया, लेकिन फिर भी वो स्टेट्स के साथ लाइजनिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? याद रखिएगा Schedule 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर्स है वो किसके पास है? वो
स्टेट्स के पास है, सेंटर के पास नहीं है। प्रोसीजरल क्या इश्यूज है, लोकल पुलिस में अवेयरनेस नहीं है, स्किल नहीं है। हमें आ रहे जो भी आज भी एग्जाम्स है वो टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा फिजिकल स्किल्स पर फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे डीआरडीओ एनटीआरओ, एनटीआरओ बनाई इसलिए था टेक्निकल रिसर्च के लिए, सर्टेन रॉ आईबी, इन सब में एक शेयरिंग का एक नॉर्मल मैकेनिज्म होना चाहिए कि कहाँ पे आके ये सब इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करेंगे। साइबर सिक्योरिटी में भी पीपीपी लाइए, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के पास साइबर मैकेनिज्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बहुत कमजोर हैं। दोनों को साथ में लाइए, इंडिया एक ग्रोइंग साइबर हब है। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोटिंग स्टार्टअप्स को प्रमोट कीजिए डिजिटल सिक्योरिटी में। एक एथिकल हैकर्स वाला टर्म होता है, एथिकल हैकर्स को गवर्नमेंट को भी हायर करना चाहिए, क्योंकि साइबर वॉरफेयर में अगर कुछ काम आएगा तो वह एथिकल हैकिंग ही काम आएगी। और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखिए, ये एक मैनुअल है, इसको आप याद रखिएगा, तल्लीन मैनुअल ऑफ यूएस, टैलिन मैनुअल ऑफ यूएस। तो टैलिन मैनुअल ऑफ यूएस की आप गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, क्राइस्टचर्च कॉल की गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। साइबर स्पेस को क्या क्या थ्रेट्स हैं, साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स होते हैं आपको पता है, साइबर टेररिज्म होता है आपको पता है, साइबर वॉरफेयर की हम बात कर चुके हैं, साइबर एस्पियोनेज, यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू गेन इलिसिट इंफॉर्मेशन, टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल पेगासस, उससे पुराना एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा प्रिज्म, प्रिज्म याद आया आपको, PRISM, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक पर्टिकुलर एस्पियोनेज नेटवर्क था जिसको स्नोडन ने हाईलाइट किया था और स्नोडन ने उसके विसल ब्लो किया था, वो भी एक साइबर एस्पियोनेज सिस्टम था फ्रेंड्स। अब जब पेगासस की बात कर ली है तो फिर अपन पेगासस को डिकोड कर देते हैं जल्दी से। पेगासस को डिकोड करने, पेगासस क्या है, पेगासस न्यूज में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है, इजरायली कंपनी का बनाया हुआ, स्मार्टफोन्स को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, iOS एंड्रॉइड सब पे रन कर सकता है। मेथड क्या है इसका, इसकी कमाल की चीज है, इसका अटैक को कहा जाता है जीरो क्लिक अटैक, मतलब आप कोई एक्शन नहीं भी। कुछ तरह के अटैक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपने ईमेल को खोला, ईमेल को खोल के आपको मेल दिखा, तो जब आप मेल पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम ब्रीच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बस दिखा आया और आपने कुछ क्लिक व्लिक कुछ नहीं किया, नो एक्शन टेकन, जीरो क्लिक, फिर भी आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, दैट्स कॉल्ड अ जीरो क्लिक अटैक। किसी भी डिवाइस को हैक कर सकता है, एक मिस्ड व्हाट्सएप कॉल आया आपके पास, आपकी डिवाइस हैक हो गई, कॉल लॉग्स को अल्टर कर सकता है, एक बार आपकी डिवाइस में आ गया तो फिर वो सारे कॉल लॉग्स को ट्रैक करेगा, सारे मैसेजेस और सारी चीजों को ट्रैक करेगा, आपकी राइट टू प्राइवेसी RTP एकदम खत्म। मैनुअली भी इंस्टॉल हो सकता है किसी जगह पे, और अगर 60 दिन से ज्यादा तक कनेक्ट नहीं कर पाया अपने सर्वर तक, अपने आका तक कनेक्ट नहीं कर पाया, तो फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो जाएगा, और जितने भी ट्रेस थे कि कौन आका था, कहाँ था अभी, कहाँ नहीं था, वो सब गायब, तो आप इसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोटिस किया कि सिक्योरिटी अपडेट्स के बाद भी एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस ब्रीच हो रही थी, यहाँ सिर्फ एंड्रॉइड नहीं, आपके आईफोन वाले भी सेफ नहीं थे इससे, तो कैसे बचा जाए, किसी भी सस्पिशियस मेल और उसको क्लिक मत कीजिए, ऑल्दो नहीं भी करेंगे तो भी कई बार इंस्टॉल तो हो ही जाएगा, तो बचना का तरीका तो यही है कि अपनी सरकार से बोलिए कि हमारी प्राइवेसी को एंटर ना करें, क्योंकि कई बार जैसा कि अलीक किया जाता है, गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व रहती है सिक्योरिटी ब्रीच के अंदर। नेक्स्ट वी विल मूव की क्या जरूरत है साइबर सर्वेलेंस की, गवर्नमेंट की तरफ सुनिएगा कि सरकार क्यों साइबर सर्वेलेंस कर रही है, तो सरकार साइबर सर्वेलेंस इसलिए कर रही है कि सबसे पहली चीज फेक न्यूज को कर्ब करना है, फेक न्यूज को रोकना है इन लोगों को, कि भाई बहुत ज्यादा फेक न्यूज आ रही है, वी वॉन्ट टू कर्ब, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज से डेटा को बचाना है, क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटी बचानी है, कि सबसे ज्यादा क्राइम तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही हो रहे हैं, स्पेशली आजकल ब्लॉकचेन बिटकॉइंस वगैरह सारी चीजें इतनी आ गई है, मनी लॉन्ड्रिंग इजी हो गई है, टेररिज्म प्लान करना इजी हो गया है, जो आप बोलते हैं लोन वुल्फ अटैक वो बढ़ गए हैं, आपके स्लीपर सेल्स अटैक नाम सुना है, सोते हुए इंसान को आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया
कि कल जाके वहां पे बम फटना है तो वो जाके आपकी फेथ में वहां पे अटैक कर देगा। देखा होगा आपने ये वाली चीज, लोन वुल्फ अटैक होते हैं सिमिलरली। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कि भाई सिटीजन राइट प्राइवेसी और लिबर्टी को मेंटेन करें, और राइट टू लाइफ भी तो है, तो राइट टू लाइफ उनके मेंटेन करना चाहते हैं। ये सरकार ने, सारी सरकारें ये तर्क देती हैं कि हम इसलिए ये सारी चीजें अवॉइड कर रहे हैं। सो हमें क्या देखना है कि भाई सच में जरूरत है क्या? तो कंसर्न्स कहाँ कहाँ शो हुए फ्रेंड्स, अपन आते हैं सीधा लीगल डॉक्ट्रिन में। लीगल डॉक्ट्रिन में आए बहुत सारे केसेस, केसेस को हम देखेंगे। उससे पहले देखेंगे राइट टू प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच को डेफिनेटली वायलेट करते हैं आर्टिकल 19। लेकिन कुछ जानकार लोग बोलेंगे कि भैया आर्टिकल 19 तो आपने बोल दिया, लेकिन आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हैं। लेकिन फ्रेंड्स राइट टू प्राइवेसी को के एस पुट्टास्वामी केस में आर्टिकल 21 में डाल दिया। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। तो बोला ये तो इसका पार्ट है, जीने के अधिकार में और डिग्निटी के अधिकार में प्राइवेसी का अधिकार शामिल है, आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते। और जब आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते राइट टू लाइफ को, तो बात खत्म। तो फिर राइट टू प्राइवेसी को भी आप खत्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है कि ओवरसाइट तो है नहीं। मैंने तो बोल दिया कि वो इंसान टेररिस्ट है और मैं उसके ऊपर अपने पर्सनल एम्बिशंस और अपने पर्सनल इलेक्टोरल एम्बिशंस की वजह से उसके ऊपर रेगुलर ओवरसाइट रख रहा हूँ। सो यहाँ पे भी वापस से इश्यू आ जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट करता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के, ये तो क्लियर है। केएस पुट्टास्वामी केस में ये बात आ गई। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी ये बात आई थी, जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस दी थी। उसके बाद केस पुट्टास्वामी में डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाने की भी एक बार बात कही है कि भाई इस तरह से आप किसी के भी डेटा को उठा के सर्वेलेंस नहीं कर सकते, डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाइए, जिसके लिए एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी आई है पिछले साल। विनीत कुमार वर्सेस CBI केस में ये बात दोहराई गई। और 14, 19 और 21 के समागम को मिला लें अपन, ये ट्रिनिटी बना दें, ऐसे बनाइए आर्टिकल 14, 19 और 21, तो इसमें आपका कहीं पे भी आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते। तो राइट टू प्राइवेसी को अटमोस्ट एसेंशियल माना है, और ये बोला है कि राइट टू प्राइवेसी को किसी भी इंसान से कोई भी छीन नहीं सकता। सो नेक्स्ट हम आएंगे प्राइवेसी जजमेंट जो दिया केस पुट्टास्वामी में। उन्होंने 4 फुल टेस्ट बताया, जिसमें उन्होंने आधार को तो पास कर दिया एक बार को, क्या वो पेगासस को पास कर पाएंगे? तो क्या 4 फुल टेस्ट था कि भाई स्टेट एक्शन मस्ट बी सैंक्शन बाय लॉ। क्या कोई भी लॉ बोलता है कि हम प्राइवेसी करेंगे? अभी बताएंगे आपको, एक लॉ आया है जो बोलता है, लॉ के बारे में बता देते हैं डिटेल में, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फेस रिकॉग्निशन के टेस्ट को इंडिया ने अलाउ कर दिया है, उसके लिए एक नई स्कीम निकाल दी है पुलिस की हेल्प करने के लिए। तो चलो ये पहली चीज जस्टिफाई हो गई। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी देयर मस्ट बी अ लेजिटिमेट एम फॉर एक्शन, बोल दिया हमें नेशनल सिक्योरिटी इज द लेजिटिमेट बेस फॉर एक्शन। इसी तरह से याद करिएगा, फोर फुल टेस्ट याद हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द नीड फॉर सच इंटरफेरेंस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस कहा जाता है इसको। तो क्या इस एक नेशनल सिक्योरिटी में पूरी जनता को ट्रेस किया जा सकता है, सारे लोगों को ट्रेस किया जा सकता है, सबकी प्राइवेसी को हैम्पर किया जा सकता है? यहां लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल गारंटीज अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर टू इंटरफेयर, और एक ओवरसाइट भी होनी चाहिए। तो ये 4 टेस्ट किसने दिए? इस सुप्रीम कोर्ट ने दिए, और इन 4 टेस्टों को आप याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। साइट करके आ गए, लिख के आ गए, तो 2 नंबर ज्यादा ही मिलेंगे, 2 नंबर से कम नहीं, 2 नंबर मिनिमम ज्यादा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, अब न्यूज में क्या आया साहब? न्यूज में आया कि आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हाउ इज योर फेस रिकॉग्नाइज्ड? वो तो देख लिया, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपके फोन भी तो फेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, आप तो कई बार सॉफ्टवेयर को भी अपने फेस रिकॉग्नाइजेशन का मेथड दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन होते हैं, और वो आपके पास ही उसका पूरा का पूरा डेटा रहता है। लेकिन अब यहाँ पे आपका फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है चलिए 2 मिनट में देख लेते हैं। 80 डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स से बना होता है आपका फेस, वो 80 फीचर्स के बीच में ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं साहब। ये एक यूनिक कोड बन जाता है 80 फीचर्स का हर इंडिविजुअल के लिए। और ये टेक्निक जो है, इट मेजर्स वेरियस फेशियल कर्व्स ऑन अ माइक्रो स्केल, और आपका फेशियल सिग्नेचर आपके
इज मैच, बाकी लोगों के फेशियल सिग्नेचर से मैच कर लिया जाता है। लेकिन क्या इतना ही आसान है? अगर गॉड का प्लान इतना ही आसान होता तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं। एक्चुअली ये 80 डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स से बनने वाला जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन है, ये सिर्फ 80% सक्सेसफुल है। तो जब ये 80% सक्सेसफुल है, इसकी एक्यूरेसी इतनी है ही नहीं, तो कई बार ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप इनोसेंट को भी बलि चढ़ा देंगे? तो ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर क्लेम की गई। दूसरी चीज यही है कि राइट टू प्राइवेसी को आप ऐसे कैसे हिंडर कर सकते हैं एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। रोल ऑफ जुडिशियरी आना चाहिए, जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए, अवेयरनेस जनरेट हो। आपको बनाना है इस तरह का सिस्टम, उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए ताकि मोनोपोली ऑफ पावर ना हो जाए कहीं बार। साइबर सिक्योरिटी लॉ लाइए डेडिकेटेड एकदम, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, अपने हाथ में मत रखिए कि इसका तो कर लेते हैं उसका नहीं करते हैं। जैसे कि फेसबुक या फिर ट्विटर में होते हैं, उनके पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम है जो आपके वर्ड्स को पकड़ के और देखते हैं कहीं ये उनकी पॉलिसी को ब्रीच तो नहीं कर रहा। सो ये आप ला सकते हैं। नाउ थैंक यू गाइज, हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे बॉक्स में दिया गया है। हम इसी तरह से 50 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उन 50 टॉपिक्स में से आएंगे आपके 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आरईएस मेंस 2021 में। तो हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़िएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।